राम रतन। भारत के इतिहास में पहली बार राजस्थान की रेत पर अपनी उंगलियों का जादू चलाकर श्रीमान सेंट कौशिक और अपनी आवाज और शब्दों की जादूगरी से उद्घोषक सुनील शर्मा ने प्रस्तुत की है वाल्मीकि रामायण। जब से इस सृष्टि की रचना हुई है, भारतवर्ष एक महान देश कहलाता है। इसकी पवित्र माटी में अनेक ऋषि मुनियों महापुरुषों ने जन्म लिया है। जिनमें से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भी एक हैं और उन्हीं के जीवन की कथा काव्य है वाल्मीकि रामायण। महर्षि वाल्मीकि ने तमसा नदी के किनारे अपने आश्रम में बैठकर रामायण में श्री राम की कथा का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। राजा जनक मिथिला नगरी के राजा थे। स्वभाव से दयालु, सेवाभावी, धर्म कर्म के प्रति उनकी एक विशेष आस्था थी। एक बार खेतों में वे स्वयं हल चला रहे थे और उन्हें संदूक में धरती से प्राप्त हुई एक नवजात कन्या। राजा जनक ने उसे हृदय से लगाया। और इस तरह मिली मिथिला नगरी को उनकी राजकुमारी सीता। राजा जनक ने राजकुमारी को बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। Thank you.
फिर उन्हें राजकुमारी सीता के विवाह के लिए सुयोग्य वर की तलाश थी। राजा के पास भगवान शिव का दिया एक विशाल धनुष था, हर धनु। उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने सीता के लिए स्वयंवर की घोषणा करवाई। जो कोई राजकुमार इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वर कहलाएगा। बड़े बड़े योद्धा, राजा, राजकुमार सभा में आए पर हार गए। श्री राम ने जैसे ही धनुष उठाकर प्रत्यंचा कसी, हर धनु टूटकर दो टुकड़े हो गया। स्वयंवर के मुताबिक राजकुमारी सीता ने श्री राम का वरण किया। और राजा जनक ने दोनों का विवाह कर आशीर्वाद देकर धूमधाम से विदा किया। लेकिन विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता।
कर्मठ कर्मनिष्ठ रघुवंश में जन्मे राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनकी तीन रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, और चार पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दासी मंथरा ने रानी कैकेयी को कुमंत्रणा देकर कोप भवन भेजा। राजा दशरथ ने धर्म संकट में पड़कर कैकेयी को दो वरदान दे डाले। पहला भरत को राज्य और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। पिता की वचनबद्धता को समझकर राम वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। महलों के वस्त्र आभूषण त्याग कर भगवा धारण कर श्री राम वन की तरफ चल पड़े। पीछे पीछे पतिव्रता धर्म को निभाने के लिए सीता जी भी चल पड़ी। बड़े भाई की और भाभी की रक्षा हेतु लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने का निर्णय लिया। वन का विहंगम मनोरम दृश्य बड़ा ही लुभावना था। चिड़ियाएं चहक रही थी, कोयल की कुहू-कुहू से वातावरण सुहाना था। सामने सुंदर चित्रकूट पर्वत का यह सुंदर परिवेश देखकर श्री राम ने वहीं कुटिया बनाकर रहने का निर्णय लिया। भरत सब कुछ जानने के बाद भाई के पास दौड़े आए। भरत ने श्री राम से बहुत अनुनय विनय की, पर श्री राम अयोध्या नहीं लौटे। फिर भरत ने बड़े भाई की चरण पादुका ली और उसे माथे से लगाकर राज सिंहासन पर लाकर रख दिया और शासन की देखरेख शुरू कर दी।
फिर राम अगस्त ऋषि के कहने पर पंचवटी चले गए। और वहां के मनोरम स्थान पर अपने समय को व्यतीत करने लगे। कुछ समय बीतने के पश्चात एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटकर लक्ष्मण ने उसका अपमान कर दिया। प्रतिशोध लेने के उद्देश्य रावण मरीज को लेकर पंचवटी पहुंचा। मरीच सोने का हिरण बनकर कुटिया के सामने घूमने लगा। सीता ने श्री राम से हिरण को पकड़कर लाने की विनती की। श्री राम हिरण के पीछे पीछे गहन वन में चले गए। हिरण को घायल करने के उद्देश्य राम ने बाण मारा। मायावी मरीच ने बाण लगते ही राम के कंठ स्वर में चित्कार की।
चित्कार सुनकर सीता जी भयभीत हो गई। उनके अनुरोध पर लक्ष्मण भी भाभी की रक्षा हेतु लक्ष्मण रेखा कुटिया के बाहर खींच भाई राम की तलाश में वन में दौड़ पड़े। लंका नरेश रावण सन्यासी का वेश धर के भिक्षा मांगने कुटिया के सामने पहुंचा। मायावी रावण के सामने सीता जी अनजाने में लक्ष्मण रेखा भूलवश पार कर गई। ठीक उसी समय रावण अपने असली रूप में आ गया। और सीता जी का अपहरण कर अपने पुष्पक विमान से लंका नगरी की तरफ उड़ चला। पथ मार्ग में सीता जी की